गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है झबला। ये गार्मेंट आपको बनाना भी है। आप सभी ने झबले को देखा होगा, आपके घर में कुछ छोटे बच्चे होंगे उनको आपने झबला पहने हुए देखा होगा। इस पिक्चर को देखने पर भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि झबला कैसा होता है। झबला वास्तव में न्यूबॉर्न बेबीज के द्वारा पहने जाने वाला एक लूज फिटेड गार्मेंट है जो कि जनरली कॉटन मटेरियल में बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कॉटन मटेरियल में ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि जनरली इसे छोटे बच्चों के द्वारा पहना जाता है और छोटे बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और यदि हम अदर मटेरियल में इसको बनाएंगे, इससे सिंथेटिक है या हैवी मटेरियल में बनाएंगे, तो वो बच्चों की स्किन पर चुभेगा और बच्चों को इरिटेट करेगा। यही कारण है कि हम इसे कॉटन मटेरियल में बनाते हैं। ये कई स्टाइल का हो सकता है, इसमें ओपनिंग भी हम कई जगह पर रख सकते हैं। इसमें जो ओपनिंग रखी जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि फ्रंट में रखी जा सकती है, साइड ओपनिंग रखी जा सकती है, शोल्डर पर भी इसे ओपन किया जा सकता है। आपको ये पता होगा कि ओपनिंग क्या होती है। किसी भी गार्मेंट को बॉडी पर पुट ऑन करने के लिए, पुट ऑफ करने के लिए उसमें कुछ खुला स्थान रखा जाता है, उसे ही हम ओपनिंग कहते हैं। तो बच्चों में भी इस टाइप की जरूरत होती है, इसलिए हम इसमें ओपनिंग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बस, मैंने बैक साइड पर ओपनिंग नहीं देखी है। इसका कारण है कि बच्चा अधिकतर जो न्यूबॉर्न बेबी यदि स्पेशली देखा जाए तो वो लेटी अवस्था में रहता है, तो यदि लेटा हुआ रहेगा और यदि वहाँ पर ओपनिंग बनाकर फास्टनर्स लगाएंगे तो बच्चों को चुभेगा, इसलिए जनरली इसमें ओपनिंग फ्रंट में, साइड में या शोल्डर पर रखी जाती है। इसे यहाँ पर हटाकर शोल्डर पर हम केवल डोरी के द्वारा भी टाई कर सकते हैं। वो आप जब गार्मेंट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इनमें क्या क्या डिजाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। झबला विथ एंड विदाउट योग भी बनाया जा सकता है, इसे हम योग कहते हैं। यदि झबले को हमें प्लेन बनाना है तो हम प्लेन भी बना सकते हैं, और विथ योग बनाना है तो हम विथ योग भी बना सकते हैं। इसी प्रकार झबले को हम स्लीव वाला झबला भी बना सकते हैं, विदाउट स्लीव भी बना सकते हैं, यानी कि झबले में हम कई वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी इनकी विशेषताएं देखी जाए ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि हमें झबला बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है फॉर न्यूबॉर्न बेबीज, कि ये वो गार्मेंट है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के द्वारा पहना जाता है। इट इज़ अ यूनिसेक्स गार्मेंट, जैसे बेबी होता है तो चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल बेबी हो, तो दोनों के ही द्वारा झबला पहना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल गर्ल के द्वारा ही पहना जाएगा, बॉयज के द्वारा ही पहना जाएगा। न्यूबॉर्न बेबी चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के द्वारा झबले को वियर किया जा सकता है। इट इज स्टिच्ड यूजिंग सॉफ्ट प्लायबल मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल का प्रयोग करके हम झबले को स्टिच करते हैं। लूज फिटेड ड्रेस है ये, लूज फिटेड इसलिए बनाई जाती है कि बच्चों को बहुत टाइट ड्रेस यदि हम पहनाते हैं, झबला ही नहीं थी कोई भी ड्रेस टाइट फिटेड पहनाएंगे तो बच्चा उसमें बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है, इसलिए इसे लूज फिटेड बनाया जाता है। विथ एंड विदाउट योग स्लीव गैदर्स, इसमें योग रखा भी जा सकता है अथवा नहीं भी, स्लीव भी इसमें रखी जा सकती है, विदाउट स्लीव भी बनाया जा सकता है, गैदर्स प्लेट शीरिंग इनमें लगाई भी जा सकती है, या विदाउट गैदर्स या प्लेट के थ्रू भी इसे बनाया जा सकता है। अब आते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में ये झबला बनाना है तो झबला बनाने के लिए आपको मार्केट से फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। जनरली बच्चों को नॉलेज नहीं होती और किसी भी प्रकार का मटेरियल वो मार्केट से ले आते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप इस झबले को बनाना चाहेंगे तो मार्केट से फैब्रिक का सिलेक्शन करते समय और फैब्रिक के साथ साथ उसमें यदि हमें किसी एक्सेसरीज का प्रयोग करना है तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ फैब्रिक सिलेक्शन। फैब्रिक का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले आता है कलर। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी बच्चा ऐसे झबले में अच्छा नहीं लगता है जिसने कि डल कलर का झबला पहना हुआ हो। तो बच्चों के लिए प्रयुक्त जितने भी हम कपड़े बना रहे हैं तो वो कपड़े हमारे लिए वाइब्रेंट कलर में होने चाहिए, ब्राइट कलर्स में होने चाहिए। एज इट इज यदि हम प्रिंट देखते हैं तो बच्चों के लिए जिस कपड़े का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमें प्रिंट का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा बड़े प्रिंट होंगे तो बच्चों की ड्रेस बनकर अच्छी नहीं लगेगी। स्मॉल प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि फ्लावर मटेरियल, फ्लावर प्रिंट है या डॉटेड प्रिंट है, इस तरह के हमें प्रिंटेड फैब्रिक का प्रयोग करके बच्चों के ड्रेसेस को बनाना चाहिए, और उनका जो साइज़ है, जैसे हम डॉट्स भी ले रहे हैं तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है आप जानते हैं? टेक्सचर का मतलब होता है कि किसी भी फैब्रिक को देखने से छूने से आपको कैसा महसूस होता है। तो बच्चों के लिए गार्मेंट बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम प्रयोग करें वो सॉफ्ट टेक्सचर वाला होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, यदि ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों के कपड़े आपको पता है कि बार बार गंदे होते हैं, बच्चे बार बार अपने हैंड्स का लेस ऑफ मूवमेंट करते हैं तो उससे उनमें स्ट्रेस पड़ता है, तो हमारे
झबले के लिए प्रयुक्त जितने भी कपड़े हैं या किसी और ड्रेस के लिए भी प्रयुक्त जो कपड़े हैं वो वॉशेबिलिटी में ड्यूरेबल होने चाहिए, क्योंकि उनको गंदा होने के कारण बार बार धोना पड़ता है, इसलिए वे ड्यूरेबल होने चाहिए, यानी कि उनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्टोरेज, यदि बच्चों के जो कपड़े हैं वो स्टोरेज में भी बहुत इजी होने चाहिए कि हम उनको कहीं भी रख लें, कैसे भी रख लें, यदि हम उनको थोड़े समय तक रखें तो उनमें क्रीज नहीं बने, तो स्टोरेज भी बच्चों के गार्मेंट का बहुत ही सरल होना चाहिए। एज इट इज यदि हम बच्चों के लिए फैब्रिक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो किसी भी ड्रेस के लिए कहते हैं, स्पेशली हम चपड़े के लिए भी खरीद रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए भी खरीद रहे हैं, तो हमें फैशन को भी ध्यान में रखकर फैब्रिक का सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जितनी भी मदर्स हैं वो चाहती हैं कि उनका बेबी बहुत ही स्मार्ट लगे, बहुत ही प्यारा लगे, एज वेल एज कई बार वो फैशन शो में कुछ ब्यूटी कंटेस्टेंट्स में भी अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराती हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर उन्हें फैशन को ध्यान में रखकर ही अपने बच्चों के लिए गारमेंट बनाते समय फैब्रिक का सिलेक्शन करना चाहिए। एस्थेटिक एस्पेक्ट भी बच्चों का ध्यान में रखना चाहिए कि जो फैब्रिक हम ले रहे हैं वो बच्चों को पहनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगे। प्राइस, प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चों की गारमेंट के लिए फैब्रिक सिलेक्शन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जो मार्केट में मटेरियल आते हैं वो कई प्राइसेस में आते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ही चीपर होते हैं, कुछ ठीक ठीक रेंज में होते हैं, कुछ बहुत हायर रेंज में होते हैं, तो हमें किस पर्पज़ के लिए हमें मटेरियल का सिलेक्शन करना है, जबला बनाना है या फ्रॉक बनाना है, जैसे जबला भी बनाना है तो हमें जनरल कैजुअल वेयर के लिए बनाना है या उसकी पार्टी के लिए, जैसे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है उसके लिए बनाना है, तो उसको ध्यान में रखकर ही हमें अपने मटेरियल का चुनाव करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चों के लिए लागू होती है वो है प्री वॉश्ड या इको फ्रेंडली, मीन्स जितने भी हम बच्चों के लिए फैब्रिक किसी भी गारमेंट बनाने के लिए जब मार्केट में सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद जब हम घर में उसके लिए कटिंग और स्टिचिंग करने से पहले हमें उस फैब्रिक को प्री वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। इसलिए धो लेना चाहिए न कि उसकी श्रिंकिंग पता पड़ जाती, कलर फास्टनेस भी पता पड़ जाती, एज वेल एज यदि उस पर कोई केमिकल लगा हुआ हो तो वॉशिंग के थ्रू वो निकल जाता है और बच्चों की स्किन को किसी भी प्रकार का वो डैमेज नहीं करता है। सूटेबिलिटी, जब हम बच्चों के लिए फैब्रिक सिलेक्शन छपने के लिए करते हैं तो हमें सूटेबिलिटी का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम फैब्रिक सिलेक्शन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू वेदर होना चाहिए, मींस जैसे समर के लिए हम जबला बना रहे हैं या विंटर्स के लिए बना रहे हैं या रेनी वेदर के लिए बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें फैब्रिक का सिलेक्शन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टाइल, कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम जबला बना रहे हैं किस स्टाइल का बना रहे हैं, जिस स्टाइल का बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ड्रेपिंग क्वालिटी और स्टाइल के अकॉर्डिंग यदि हम फैब्रिक का चुनाव करेंगे तो बनने के बाद जो गारमेंट आएगा ना केवल वो सुंदर लगेगा और बच्चे कंफर्टेबल भी रहेंगे और बच्चे भी बहुत सुंदर लगेगा। अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, हालांकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बच्चों की क्या पर्सनैलिटी होती है, लेकिन पर फिर भी जब हम फैब्रिक का सिलेक्शन करते हैं जबला बनाने के लिए तो हमें बच्चों के कलर कॉम्प्लेक्शन, उसका उसकी जो देखने पर वो बच्चा कैसा हमें लग रहा है, मोटा है पतला है, तो उसको ध्यान में रखकर ही हमें फैब्रिक का सिलेक्शन करना चाहिए। तो बस नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी ड्राफ्टिंग करके कटिंग करेंगे तो उससे पहले जब आप फैब्रिक का सिलेक्शन करेंगे मार्केट से तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही फैब्रिक का चुनाव करेगा। और फिर फैब्रिक का चुनाव करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी तो ड्राफ्टिंग के बाद आप पैटर्न बनाएंगे और उस पैटर्न के अनुसार कटिंग करके जबले को स्ट्रेच करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको योग जबले के बारे में बताऊंगी और उसकी ड्राफ्टिंग आप सभी लोग करेंगे। थैंक यू।